हेलो फ्रेंड्स, समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जानिए आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। मोदी से मिली ममता, मुलाकात के बाद कहा बंगाल के लिए आबादी के हिसाब से वैक्सीन मांगी, राज्य के नाम बदलने पर भी हुई बात। कोरोना वैक्सीन पर स्टडी, फाइजर और एस्ट्राजेनेका की दो डोज के बाद तेजी से बढ़ता है एंटीबॉडीज का लेवल, लेकिन दो से तीन हफ्ते बाद उतनी ही रफ्तार से घट भी जाता है। बच्चों की वैक्सीन जल्द, स्वास्थ्य मंत्री बोले अगले महीने से शुरू हो सकती है बच्चों की वैक्सीनेशन। एक्सपर्ट ने कहा कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी में ये काफी अहम। मुंबई में कोरोना का अनोखा मामला, एक डॉक्टर को 14 महीने में 3 बार हुआ कोरोना, दो बार दो वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हुई। कांग्रेस प्रधान बने सिद्धू को कैप्टन से पहली मीटिंग, डेढ़ घंटे चली बैठक में सिद्धू ने सीएम को सौंपी 5 मांगों की चिट्ठी। विधानसभा सत्र बुलाकर कृषि कानून को रद्द करने की मांग। जानना जरूरी है आखिर जोमैटो, पेटीएम और LIC को IPO लाने की जरूरत क्यों? IPO में हम कैसे पैसे लगा सकते हैं और 2021 में निवेशकों को IPO से कितनी कमाई हुई? CAA लागू करने के लिए सरकार को वक्त चाहिए, गृह मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा से 6 महीने और मांगे, कहा नियम बनाने के लिए 9 जनवरी तक का समय दे। कर्नाटक में नए सीएम का ऐलान आज, बेंगलुरु के शाम 7 बजे होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, येदुरप्पा ही रख सकते हैं नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव। ओलंपिक में मिले 2 दिल, अर्जेंटीना की तलवारबाज को कोच ने कैमरे के सामने प्रपोज किया, कहा जल्दी हाँ बोलो, लोग देख रहे हैं। शिल्पा से पूछताछ में नया खुलासा, राज को देखते ही भड़क गई शिल्पा, चिल्लाते हुए कहा तुमने परिवार को बदनाम कर दिया, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। हमारे आज के समाचार यही खत्म होते हैं, आपसे मिलेंगे ऐसे एक और वीडियो में, जब तक ले सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666474110। धन्यवाद।